तो क्या हाल है दोस्तों, सब कुछ बढ़िया ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। मेरा नाम है सोमन, आप सबको स्वागत है आज के टेक न्यूज के एक फ्रेश न्यू एपिसोड में। सो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि आज की टेक न्यूज बहुत धुआंधार होने वाला है। और चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में पास में रखा हुआ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं टेक न्यूज के। पहले अपडेट के बारे में बात करूं तो दोस्तों यूट्यूब की तरफ के एक मस्त अपडेट आ चुका है। यस, आप अगर अभी यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये फीचर्स अभी तक नज़र नहीं पड़ा होगा, और अगर नज़र पड़ा होगा तो मस्त फीचर से देख लीजिए, क्योंकि हम लोगों को कोई भी वीडियो लाइक करने के लिए यहाँ पे सीधा करना पड़ता था मोबाइल। लेकिन अब ऐसे करने के बाद आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे लाइक डिसलाइक सब कुछ आपको यहाँ पे देख लेगा, यहाँ पे आप सब कुछ कर पाइएगा, देख लीजिए। यस, ये नया फीचर्स आ चुका है, आप भी इसको ट्राई कीजिए। तो आपको इसको करने के लिए सीधा करने की जरूरत नहीं है अपने मोबाइल को। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूँ तो वो निकल के आता है एप्पल की तरफ से, मस्त न्यूज़ है। यहाँ पे आईफोन SE 3 और 2 टैब इंडिया में आ चुके हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए। इसका मतलब बहुत जल्दी लॉन्च होने भी वाला है, लगता है कि मार्च अप्रैल में जाके लॉन्च होगा। सो जो भी हो, सो यहाँ पे आईफोन SE 3 जो है उसका प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है $300, मतलब 20-25 के अंदर प्राइस हो सकता है, मतलब ये हो सकता है, अगर नहीं भी हो सकता है 30,000 भी जा सकता है। सो $300 वहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये हो सकता है 20-25 में आपको मिल जाए। लेकिन और जो टैब आ रहे, मतलब आईपैड जो आ रहे, वो आईपैड एयर है एक, और दूसरा शायद आईपैड मिनी हो। सो कमाल की बात है ना, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा आईफोन लवर्स को। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग टैब A8, इसका ऑफिशियल मार्केटिंग पोस्टर यहाँ पे लीक हो चुका है। यस, ये टैबलेट आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 पे होने वाला है, पूरा फ्लैगशिप टैबलेट होने वाला है। इसमें आपको 14.6 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वो भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। 14.6 इंच, एक लैपटॉप से भी बड़ा डिस्प्ले होने वाला है, वाह। सो जो भी हो, इसमें आपको 45W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा। सो ये जो सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट होने वाला है 9 February को रात को 8:30 बजे, उस दिन ये लॉन्च होगा। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है वीवो की तरफ से, वीवो T1। यस, कुछ दिन पहले से ही हम लोग इसको लेके बात कर रहे हैं, पहले बात की इसके लॉन्चिंग को लेके, फिर बात किए इसके अंतुतु स्कोर लेके, अब इसका ऑफिशियली टीजर बाहर आ चुका है, फर्स्ट लुक बाहर आ चुका है। मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जरूर देखिए, और फोटो में जो बंदा है ना वो बड़ा खुश हो रहा है नया फोन हाथ में लेके। सो जो भी हो, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 5G प्रोसेसर है, और इसका जो फ्रंट कैमरा है ना वो वाटर नॉच है, मतलब ऐसे यू टाइप का कट का, हाँ उस टाइप का होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूँ तो वो निकल के आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नोट 2 CE लाइट 5G। इतना बड़ा नाम, अपना नाम, अपने परदादा का नाम, अपना गांव का नाम, अपना मोहल्ले का नाम, ये नाम जिसने भी डिसाइड किया है पहले उसको पानी पिलाओ भाई, नाम बोलते बोलते बेचारा थक गया होगा। अगर ये कोई भी सेल्स प्रोमोटर हो वो तो नाम बोलते बोलते थक जाएगा, फिर कैसे फीचर्स समझाएगा। तो जो भी हो, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 6.5 इंच की फुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 33W का फर्स्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा, और इसमें आपको 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। सो बहुत बड़ा नाम है, हम भी थक गया यार। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूं तो दोस्तों, आप अगर एक Xiaomi फोन यूजर है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि MIUI 13 चाइना में लॉन्च हो गया, अब इंडिया में लॉन्च होने वाला है। मालूम है कब? वो कल दोपहर 12 बजे के बाद इंडिया में लॉन्च होने वाला है MIUI 13। यस, बहुत बढ़िया बात है। सो आप रेडी होके रहिएगा, फोन को चार्ज में करके रखिएगा, 50% के ऊपर चार्ज रहना चाहिए, तब जाके अपडेट कर पाइएगा। सो MIUI 13 आ रहा है कल Android 12 के साथ। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूं तो वो निकल के आता है Redmi की तरफ से, Redmi स्मार्ट बैंड प्रो। यस, इसका प्राइस लीक हो चुका है, इसका प्राइस निकल के आता है 2999, इसका मतलब 3000 रुपए। इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और साथ ही में 14 दिन की बैटरी भी मिलेगी। सो ठीक है फिर भी, लेकिन मुझे लगता है 14 दिन का बैटरी, इससे ज़्यादा तो Xiaomi का शायद देता होगा। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, जब वॉच के बारे में बता रहा हूँ तो ये भी बता दूँ कि Realme भी अपना एक स्मार्ट वॉच लाने वाला है। यस, Realme वॉच S100, ये शायद वो Realme 9 Pro जब लॉन्च होगा 9 तारीख को, उस दिन ही शायद
शायद उस दिन ही शायद लॉन्च हो जाए। और इसमें आपको राउंड शेप में डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एमुलेट डिस्प्ले और 7 दिन की बैटरी बैकअप मिलेगा। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है पोको के तरफ से, पोको X4 Pro 5G। ये फोन बहुत ही जल्दी इंडिया में आने वाला है, इसके फीचर्स वगैरह भी यहाँ पे आ चुके। इसमें आपको 6 या 7 5G बैंड देखने को मिलेंगे। स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर पे ये फोन आने वाला है। इसमें आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा रेयर में, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 67 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। यस, फास्ट चार्जर होने वाला है। लेकिन मालूम है ये फोन जो Redmi Note 11 चाइना में लॉन्च किया था ना, वही है। बस आएगा तो आप मिला के पास रख के मिला के देख लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में पास में रखा हुआ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। और वीडियो को शेयर करना ना करना वो आपके हाथ में है, लेकिन रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आना मेरे हाथ में है। सो रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। सो हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।